स्लैश गिव एट द रेट एस माइनक्राफ्ट कमांड ब्लॉक। ओ यस, इससे आ गया है हमारे पास एक कमांड ब्लॉक। तो अगर हम लोग ऐसे केव में कहीं पे तो खोए होंगे और अगर हम लोगों को घर की याद आए तो टेंशन नहीं यार, हम लोग सिर्फ एक कमांड ब्लॉक लेंगे, यहाँ पर डिक करेंगे और यहाँ पर नीचे कमांड ब्लॉक रख देंगे। अभी और एक बार हम लोगों को थोड़ा जादू टोना करना पड़ेगा। तो वुड का प्लैंक इसके ऊपर रख देते हैं और उसके ऊपर एक प्रेशर प्लेट, और अभी हम लोगों को लगाने का है डोरेमोन का। तो इसको हम लोग इधर लगा देते हैं। ओके, ये लग गया। अभी मैं दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। आई होप कि ये काम करे, पोपट ना हो जाए हमारा। तो अगर हम लोग ऐसे ही किसी केव में खो गए होंगे और हम लोगों को घर जाना है तो हम लोग खोलेंगे ये दरवाजा और इसके अंदर चलेंगे और हम लोग आ गए हैं। यस, हम लोग आ गए हैं। ऑलराइट, सो कॉन्सेप्ट तो पता ही चल गया होगा तुम्हें किस चीज के बारे में होने जा रहा है, क्योंकि ट्रैवलिंग यार इट वॉज डैम टू मच यार। यहाँ से फिर उस जगह पे जाना, फिर यहाँ से यहाँ आना, यार इट वॉज लाइक क्रेजी। ठीक है, सो भाई ये वीडियो मेरे रिकमेंडेशन में अब आया। ठीक है, जो ये सालों पहले आना चाहिए था तो ये जाके अब आया। तो भाई द थिंग इज, मैं कमांड क्योंकि भाई क्रिएटिव में जाओ तो सब कुछ हो जाता था, तो मेरे को इस ब्लॉक के बारे में नहीं पता। मेरे को पता था कि ये एग्जिस्ट करता है पर आज तक कभी यूज़ ही नहीं आया, क्योंकि भाई इधर से उधर हम लोग ऐसे टेलीपोर्ट कर सकते थे तो भाई यूज़ नहीं आया। ठीक है, सो आई थॉट लाइक फिर ये वीडियो आया रिकमेंडेशन में, तो आई थॉट यार यार चीज़ तो गजब है यार ये, तो इसको बनाया जाए। ठीक है, सो आई डिड अ रिव्यू, नॉट रिव्यू लाइक आई डिड अ टेस्टिंग। ठीक है, तो अपने मॉडर्न बेस से हम जाएंगे अपने पिलेजर फार्म में, हम लोग जाएंगे तो एक तरीके से वो टेलीपोर्टेशन का हब होगा, समझ रहे हो। वहाँ पे मैं ऐसा बना रहा हूँ, तो जैसे कि ये मेन हब समझ लो, ठीक है, और 1, 2, 3, 4 पोर्ट्स हैं, तो कहीं पे भी पोर्ट्स में तुम जाओगे तो वो तुम्हें टेलीपोर्ट करेगा यहाँ, एंड फिर ये हब से तुम्हें चूज़ करना कौन से जगह पे टेलीपोर्ट करना है। सो इट वाज अ गुड आइडिया, क्योंकि वहाँ पे मैंने अच्छा खासा बड़ी जगह भी बनाई है। मैंने यहाँ पे हब इस वजह से नहीं बनाया क्योंकि यार इट्स अ मॉडर्न हाउस, यहाँ पे भाई मैं दरवाजे प्लेस नहीं कर सकता हूँ, तो तुम लोग को शो करता हूँ। सो दिस इज़ द गेम एंड चलते हैं भाई हम अंदर। ठीक है, तो मैंने एक बनाया है टू टेस्ट इट आउट इफ इट वॉज वर्किंग और नॉट। तो ओके, गलत जगह जा रहा हूँ, वो जगह एक्चुअली में ऊपर है। ठीक है, सो नहीं, मेरे पास तलवार भी नहीं है। क्यों स्पॉन लिया उन्होंने, इस गधे ने वहां पे स्पॉन लिया क्यों? ओके, आई गॉट एन आइडिया बॉयज, हार्ड है, पीसफुल, सिंपल, फिक्स है, सही फिक्स कर दिया मैंने इसको। सो अगर तुम लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाओ भाई देखो क्या कर रहे हो, तुम लोगों को पता चल जाएगा कि अब मैं आइस कैसे कलेक्ट कर सकता हूँ इस आइस को, जो कि बहुत ही गजब की चीज़ है। तो हाँ, उसको जाके देखो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स वो ट्रिक कैसी लगी तुम लोगों को। ठीक है, सो अभी के लिए तो भाई मैंने टेलीपोर्टर यहाँ लगा के रखा है, मैंने नेम टैग तो दिया ही नहीं है, लाइक ओ शिट, ब्रेक इट, ब्रेक, इसको हम नेम देंगे हब। ठीक है, हब मतलब कि समझ गए होगे। ठीक है, सो दिस इज द, सो भाई ये हब है। ठीक है, इफ वी गो इन जस्ट लाइक दैट वी आर इनसाइड आर हब। तो भाई इतने सारे हब्स मैंने पोर्टल्स वगैरह बनाए हैं, सो बट काम अभी तक एक ही कर रहा है। सो अभी काम मॉडर्न हाउस का कर रहा है, अभी इन सब चीज़ों का लगाना है जो कि अभी एक्टिव नहीं हुआ है, बट इसको मैं अभी करने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो इसको अब मैं करूँगा कैसे, जैसे ही हमारे मिथपैथ सेम्पाई ने बताया है भाई कैसे करना है, तो मैं थोड़ा सा लाइक बढ़ा के कर रहा हूँ। ठीक है, मैं छोटी सी चीज़ नहीं कर रहा हूँ भाई, एक ही जगह टेलीपोर्ट नहीं करना है यार, मेरे को बहुत जगह जाना होता है, क्योंकि यार बहुत दूर दूर मैंने फॉर सम रीज़न चीज़ें बनाई हैं। ठीक है, तो हमारे सेकेंड पोर्टल होने जाएगा, कहाँ पे होना चाहिए ये जाएगा अपने सीधे के सीधे क्रीपर फार्म में। ठीक है, तो टू डू दिस, तो भाई व्हाट आई एम गोना डू इज, सबसे पहले यहाँ पे खड़ा होना है। ठीक है भाई, बस खोलो नहीं यार, तो यहाँ पे खड़े होके हम लोग को इस जगह फेस करना है। ठीक है, एंड लेट मी जस्ट ब्रिंग आउट माई फ़ोन एंड अच्छे से एक स्क्रीन शॉट ले लेना है, एंड दैट्स प्री मच इट। ठीक है, अब भाई यहाँ से निकलना है, अब तुमको क्या करना है कि जो डेस्टिनेशन है तुम्हारी वहाँ पे जाना है।
तो मैं पहले से ही कमांड ब्लॉक मंगा चुका हूँ, बट तुम लोग को शो करने के लिए भाई ये देखो ऐसे कमांड ब्लॉक मंगाते हैं, एक्सक्लेमेशन बार गिव स्पेस एट द रेट पीस, पी का मतलब होता है जो भी क्लोजेस्ट पर्सन हुआ, ठीक है। तो जब भी तुम कोई भी सर्वर में अकेले हो तो हमेशा पी यूज़ करो, एक तरीके से सबके लिए अप्लाई होता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेस जो भी ब्लॉक चाहिए कमांड, फिर उसका क्या चाहिए अंडरस्कोर, फिर ब्लॉक। तो ये है, इसको बस एंटर मारने से आ जाएगा हमारे पास कमांड ब्लॉक। एज यू कैन सी मेरे पास एक था, अब एक्चुअली में दो आ गया है, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड द कमांड ब्लॉक। सर्वाइवल मोड पे एक्शन में इसको लगा नहीं सकते हो, क्रिएटिव में ही लगा सकते हो सिर्फ। तो भाई ये लग गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे डालूँगा मैं प्रेशर प्लेट। अब बारी आती है भाई इसको किस जगह पे हम लोग को भेजना है, ठीक है। तो करते हैं, तो भाई इसको मेरे को भेजना है ओके। अब बारी है भाई उस फोटो की, तो यहाँ पे लिखना है टीपी एट द रेट पी, पी फॉर नियरेस्ट प्लेयर, और हमारा पोजीशन था 124 space 59 space 513। तो दैट इज़ डन, जस्ट एंटर इट। अभी नहीं जाना है तुम लोग को, ठीक है, जस्ट रिमेम्बर दैट। ये हो गया है, अब फिर से अपना फ़ोन निकालना है हम लोग को एंड इस लोकेशन की एक फ़ोटो लेनी है। सो दैट इज़ डन। सो भाई अब हम लोग को क्या करना है, बस यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे जाना है, सिंपली ये आ गया, ठीक है। तो भाई अब बारी है यहाँ पे कमांड डालने की, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एट द रेट नहीं टीपी स्पेस एट द रेट पी स्पेस, और जो फोटो ली थी तो इट्स -662 space 183 space 583। ओह, थ्री को ज़्यादा ही थ्री है भाई, और यहाँ पे बस ऐड कर देना, सिंपली इट्स डन बॉयज। तो हमारे टू वर्किंग टैली एनीवेयर डोर काम कर रहे हैं। सो अब बस इसको नेम देना है हमें, एंड इसको मैं नाम दूंगा FARM फार्म, क्योंकि हमारे वहाँ पे दो फार्म हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा ये फार्म कंप्लीट, जस्ट लाइक दैट। एज यू कैन सी वी आर हियर जस्ट गूची। अब कभी भी हम लोग को भाई ना उड़ने की वो है झमेला, अब किसी चीज़ का वो नहीं बवाल, सीधे हम लोग ऊपर नीचे जा सकते हैं। अब बस यहाँ पे आना है एंड अपने आगे हम लोग हब पे, सिंपल लाइक दैट। ओ भाई कुछ रेंडर नहीं हो रहा है, हो गया। तो अब एक और लोकेशन बची है जहाँ पे उसको डालना है, ठीक है। ऑलराइट, फॉर आवर विलेज आई थिंक, यार अगर तुम्हें याद है कि यहाँ पे हमारा पहला माइनक्राफ्ट का फ्रेंड था जो कि अब फॉर सम रीज़न गायब हो गया यार वो, हाँ उसको क्योंकि हम लोग ने नेम टैग उसके ऊपर नहीं लगाया था तो वो गायब हो गया, ठीक है। जस्ट लाइक दैट एंटर, एंड भाई हमारा कमांड ब्लॉक में जो भी इन्फॉर्मेशन डलती है वो डल गई है, ठीक है। अब बस लगाना है इसको क्या कहते हैं प्रेशर प्लेट, एंड बूया इट्स वर्किंग। सो भाई एक प्रेशर प्लेट मेरे को लगाने दो यहाँ पे, सिंपली लाइक दैट, ठीक है। अब बस हम लोग को ऐसे आना है, ऐसे जाना है, एंड मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने वहाँ का स्क्रीनशॉट नहीं लिया, राइट। ओ माई गॉड, मैंने वहाँ का स्क्रीनशॉट नहीं लिया बॉयज़ लोग। ऑलराइट, सो वी आर ऑलमोस्ट हियर, ठीक है। अब एकदम देख के भाई एकदम एंड पे खड़ा, नहीं यार इतना काफ़ी है, ठीक है। अब यहाँ का लेना है हम लोग को एक स्क्रीनशॉट जस्ट लाइक दैट। अब बस जाना है पोर्टल पे, आई मीन डोर पे, एंड ऐसे आना है, ठीक है। नहीं नहीं ऐसे नहीं आना, नेवर माइंड, आई जस्ट फॉरगॉट, मैन भूल, मेरे को भूलने की बीमारी है। अब बस यहाँ पे आना है @ टीपी स्पेस @ पी, एंड लोकेशन क्या थी यार 5 अंदर हो गया, जस्ट लाइक दैट हमारे तीन वर्किंग चीज़ें काम करने लग गई। तो भाई
तीन जगह पे पोर्टल सेट हो गया है, ठीक है। एंड फ्यूचर में भी अगर मैं कुछ और भी चीज़ें जो कि ऑब्वियसली भाई बनाऊंगा ही, ठीक है, तो उनको भी बेशक इंक्लूड करूंगा इसमें, क्योंकि भाई ट्रैवलिंग लाइक आधा से ज़्यादा तो टाइम को इधर उधर सामान लेना वेना भाई इसी में चला जाता है। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और गाइस, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स ये वीडियो कैसा लगा। अगर तुम लोग चाह रहे हो कि मैं ऐसी चीज़ें थोड़ी क्रिएटिव मोड में, और क्योंकि यार क्रिएटिव मोड में जब चीज़ें करो ना तो चीज़ें हट के हो जाती हैं, ठीक है, मेहनत फिर भी होती है बट स्टिल आसान हो जाता है उसको करना। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर और भी तुम चाह रहे हो मैं थोड़ी ऐसी चीज़ें क्रिएटिव मोड वाली चीज़ें थोड़ी करूँ, लाइक बिल्ड वगैरह। मैं काफ़ी बड़े बड़े भी कर सकता हूँ क्योंकि काफ़ी ईजिली हो जाएगा मेरे लिए उसको बिल्ड करना, तो हाँ मेरे को बताओ एंड आई विल डू इट। सो मिलते हैं भाई अगले एपिसोड में।